लेकिन अब अपने तो फ्लैट में रहने वाले तो मुर्गी भी नहीं पाल सकते। नहीं, मैं तब यूँ पूछ रहा था कि जिन्होंने पाले उनको इस मसाइल का इतना शायद पता है या नहीं है। मुझे हाजी वक्कारुल मदीना है ना, ये किसी दौर में इनके यहाँ से या एक और साईं भाई तो यहाँ से वो ये लोग कजले का छोटा कजला लेते थे। कजला एक है मतलब फैमिली है ये भेड़ की मेंढों की, जो बहुत शानदार जानदार और कद काट वाला बनता है। ये पालते थे मेरी नियत से पालते थे और फिर वो मेरे पास शान शौकत के साथ आता था, तो कुछ दिन हम भी रखते थे। अब ये वो दौर यार मेरा अब जाहिर अब चला गया। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र आप ही का दौर है। जी इरशाद फरमाए। जी कजला, ये कजला है। अच्छा आया दो रहे ना। नहीं एक हमको मिला है तोहफे में, तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं तो ने इसको नीचे उतर के देखा नहीं, ऊपर से ज़ियारत करता हूँ इसी। ये बोलते हैं कजला है, कजरा कजला कजरा कजला बोलते थे लाम से अल्लाह बेहतर जाने। काजल तो उसकी आंखें काजल लगी हुई जैसे होती है, काली काली आंखें और बड़ा खूबसूरत जानवर होता है और कद निकालता है। उसके नाम रखते थे हम और कुर्बानी करते थे धूमधाम से। वो कोई सिक्योरिटी और हिफाजती उमूर ये कोई मसाइल नहीं होते थे उन दिनों, आज़ादी होती थी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आपने यूं बाज़ाब्ता कोई डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई ऐसा जानवर कुर्बानी तक पाला ये ड्यूरेशन नहीं है आपका? नहीं ऐसा नहीं। मसाइल आपने माशाल्लाह पढ़े हैं और इसका जैसा भी आप बयान फरमाए, पढ़ने के साथ पूछ के भी तजर्बा किया है मैंने। हुजूर ये अब रुझान बनता जा रहा है कि लोग मंडी में जाते हैं, एक जानवर अभी ले लेते हैं और एक अगले साल के लिए भी बुक कर लेते हैं कि वो छोटा होता है कि इसको खिलाओ पिलाओ अगले साल ये बड़ा हो जाएगा, तो उससे ये भी तय कर लेते हैं महाना कितना खर्चा होगा। अब वो जाने वाला होता है, लेकिन अब ये जो इतने सारे आपने मसाइल बताए ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो अब अगर बिलफर्स कोई शख्स ऐसा जानवर है उसको पसंद आया कि ये और फरबा हो जाए अगले साल काटूंगा, तो अभी उसकी क्या करे ऐसा कि कुर्बानी की नीयत ना करे ताकि ये सारी एहतियातों से वो बच जाए और उसको अपने लिए खरीद ले फिर अगले साल नीयत कर ले कुर्बानी की? कोई ऐसा तरीका बताए ना, वरना ये सारी एहतियातें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एहतियातों से ये कुर्बानी की नीयत से करेगा सवाब तो मिलेगा ना, और नीयत तो दिल का इरादा है जी, जबकि ले ही रहा है कि इसकी कुर्बानी करूंगा जी। बाजार तो ये कि नीयत इसकी यही है। अब ये जिसको पालने के लिए दे रहा है जी, कैटल फार्म वाले नॉर्मली महाना भी अब ले लेते हैं कि भाई इतना चारा वो खाता है रोजाना, तो महाना इतने बनते तो आपको अच्छा हिसाब भी बना देता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने 2 लाख का लिया, इस पर महीने का 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, वो जरा तगड़ा जानवर होता है तो भाई 2-2.5 लाख उसके खर्च होंगे, ये 5 लाख का हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये अगले साल फिर वो भी बहुत बड़ा जाता है। तो इस तरह कई लोग करने लगे, मैंने भी पिछले दिनों ही सुना, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लगा कि इसमें तो बहुत टिपिकलिटीज हैं, तो ये मसाइल पता होने चाहिए या कोई इसका शॉर्ट हल मिल जाए, आसान हल मिल जाए। कोई ऐसा काबिल एतमाद कैटल फार्म वाले तो होते हैं यार। नहीं देते उसी को हैं ये जो काबिल एतमाद होता है। नहीं तो उन्हीं से जब कुर्बानी का जानवर खरीदे जी, उन्हीं से खरीदे और दो दांत पर हाथ ना रखे, ये समझ में आता है। चार दांत का होता है ना, जैसे बड़ा जानवर जो है ना, तो छोटा जानवर 2 साल का 2 दांत का मशहूर यही है, तो ये बड़ा ये 4 दांत का होने को इसको ज्यादा देर नहीं लगती, या तो ये 3 साल का होता है 4 दांत का, बताया ना डॉक्टर साहब, 2.5 साल का पौने 3 साल का, ऐसे ये 4 साल का, और ये बुड्ढा नहीं होता, इसका गोश्त अच्छा होता है। बकरा भी शायद 2 साल में नहीं होता, 1 साल ऊपर 2-4 महीने में भी शायद ये 4 दांत का हो जाता होगा, कोई मतलब माहिरीन होते ना ये बता सकते हैं। अब मैं यार भूल गया हूँ, हाजी इमरान भी साथ होते थे जब हम ये सवाल जवाब करते थे जी। मैं ये मुझे अर्ज है जब्बार से, अच्छा ये तो ऑनर भी हुए हैं, लेकिन अब वो के सारी चीजें ये बात तो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 6 महीने के बाद ही वो 4-6 महीने का फर्क ही है, 6 महीने का ही फर्क है 2 साल के बाद, जिसमें 4 दांत का हो जाता है। तो चार दांत का तो है ही पक्का हो गया। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं अगर वो उसका जैसे अमीले सुनंद ने फरमाया ना कि उसकी अगर डेट पता हो ना, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो अब उसके बाद आप बोलोगे तो वो उसको उसकी कुर्बानी तो उसके 2 साल के बाद होगी, तो कैटल फार्म वाला 2 साल तक पालेगा ना? नहीं नहीं अभी बच्चा नहीं है, बड़ा आदमी बड़े जानवर की बात करेगा, बकरे की बात करो ना, हाँ
छोटे की करो ना, अब साल भर इसमें साल भर का दौरा नहीं है ना। चलो उसके ये अच्छा ऊंट नहीं उठा लाया बंदा, दौरा नहीं 5 साल का हो जाता। दूसरा इसमें और भी जो है ना, इस तरह के अगर इस तरह जो सिलसिला बता रहे हैं अब्दुल हबीब भाई कि ये जो चला हुआ है, तो फिर इसमें जिसको पालने के लिए दिया है उसके भी फिर शराइत होंगे कि किस तरीके से उसको दिया जा रहा है, इजारे पे उसे रखा जा रहा है या क्या किया जा रहा है। तो जो इस तरह करेगा उसको इस हवाले से भी शरई रहनुमाई, उस दौरान अगर उसका वो दुनिया से ही चला गया तो अब वो किसका हुआ। अब एक नया उन्वान आ रहा है, कैटल फार्म वालों का मदनी मुजाकरा। हाँ, मुझे लगता है कि ये जितने भी दुनिया हम लोग ना किसानों को जमा करते हैं, जमींदारों को जमा करते हैं और उशर के ने सारे अहकाम बयान करते हैं दावत इस्लामी के बुनियाद पर, तो ऐसा मतलब बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद ये दुनिया भर के या मुल्क जहाँ जहाँ हमारी कोशिश हो कैटल फार्म वालों को कहीं जमा किया जाए और फिर वो उनके हालात भी रहो, उनके शरई अहकाम अपने मन को मना लेंगे कि स्क्रीन पर सब जमा होंगे ना, इस टाइम पे कैटल फार्म वाले आपके पास जमा इस टाइम तो नहीं होंगे। आज नहीं, अभी फिलहाल इन दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको जमा करना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। काम स्क्रीन पे जमा होंगे ना, स्क्रीन पर यही है कि इस्लामी भाई जाएंगे और वहां पर मतलब अब कैटल फार्म वाले कितने, लेकिन ये कहेंगे मजदूर भी ज्यादा होते हैं। नहीं बहुत नहीं यार, कैटल फार्म भी ये बाकायदा एक बिजनेस बन गया। एक कैटल फार्म के अंदर मालिक समेत जितने लोग होंगे वो 8, 10, 12, 15 होंगे। इसी तरह दुनिया भर के जितने भी मतलब कैटल फार्म हो, अगर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन उनसे राबता वास्ता रखें और कोई एक डेट तय हो जाए, जैसे हमने गोश्त फरोशों के भी तो मंत्री मुजाकरे किए नहीं किए, मगर इन दिनों में नहीं हो सकता ना। अब जब भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इन दिनों वो है ना, पहले तो कुर्बानी की नियत कर लो, हम अभी से नियत कर लेते हैं कि कोई अल्लाह करे याद रह जाए, तो इन कैटल फार्म वालों को जमा करके भले ये जहाँ जहाँ है वहाँ जमा हो, मदनी चैनल पर बराह रास्त करें और ख़ास मदनी फीसों के साथ अगर कोई आना चाहे तो आपके पास SOP के साथ लाएँ, तो क्या है इसमें वो हो सकता है जब हम कह रहे थे SOP भी ख़त्म हो गई हो, कुछ और ही हो, अल्लाह करेगा इस्तिमाई हमारे ना वो जोश तो खत्म हो जाता है, अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करो तो बाकी रहेगा। लेकिन हो सकता है कि उन दिनों ये सारे सिस्टम वो कोरोना वगैरह के ताल्लुक से जो पाबंदी है वो भी खत्म हो जाए, हमारे इज्तिमात ही बहाल हो जाए, अल्लाह करे अल्लाह करे। तो ये हाजी कैटल फार्म, हाजी मंडी में जो कैटल फार्म आजकल बनते हैं खासतौर पे कराची में, मैं समझता हूँ शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी इस तरह की लगती है, और उसमें जिस तरह के टेंट हैं तो वहाँ तो मदनी चैनल वगैरह लगाकर दिखाया तो जा सकता है, लेकिन इस वक्त गेमा गेम मसरूफियत बहुत है, ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब ये कि या तो रात देर से हो तो फिर उसमें वही बात है कि हम नाज़रीन को शायद ना ले सकें, लेकिन ये कि 1 बजे 1:30 बजे के बाद जो है ना उनके पास थोड़ा रश कम होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन दिनों में अगर इनकी जो तरबियत हो जाएगी ना और इनको अहकाम बताए जा सकेंगे, उसके बाद फिर इन सबको जमा करना। इस वक्त ये सारे के सारे समझ लें मंडी में मौजूद हैं और वहाँ हमारे इस्लाम भाई भी जा रहे हैं, इस पर मशवरा करते हैं कोई अगर सूरत बनती है, वरना ईद के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह। है ये बहुत ही अहम, दिलचस्प भी है, अहम भी है, और अब इनको जमा करके इनके धोखेबाजियों के जो कारनामे हैं ये इन पर हम खुद ही कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे, खुद ही कहेंगे कि हमारे इसमें ये हो रहा है, अपना ना गए लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि हमारे फील्ड में ये है। अब जैसे कि ये सब करते कल या परसों जो हमारे वेटनरी डॉक्टर साहब थे, इन्होंने कल या परसों के अपने तासर में कहा था कि अगर जो इन दिनों में अताई डॉक्टर आ जाते हैं मार्केटों में, यानी कि जो जाली डॉक्टर है, ताई में समझे कौन, वे उस फेक डॉक्टर होते हैं ये जाली में, मैं कहते हैं ऊंट वैद, अताई में तो ऐसा लग रहा था खास आता होती ऊंट वैद, अताई है, मैं तो ये समझा के अताई तो कोई अताई है, मतलब के जो फेक डॉक्टर होते हैं, गलत डॉक्टर होते हैं, नकली डॉक्टर होते हैं, अताई कैसे, ये भी तादाद है डॉक्टरों की, अल्लाह की पनाह, इनमें भी तो होते हैं अपने इंसानी डॉक्टर में भी, तो जानवरों में डॉक्टर, नकली डॉक्टर तो ढेर होते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह गौर करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सलमान मदनी बैठे हुए, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है सलमान भाई, सलमान मंडी को, सलमान भाई को मंडी भेज दें बस, सलमान मदनी को ये मतलब टास्क दिया जा सकता है।